एक गांव में चांदनी और नंदनी नाम के दो लड़कियां रहते थे। चांदनी बहुत गरीब लड़की थी, नंदनी पैसों वाली बहुत अमीर लड़की थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दशहरा त्योहार आने पर उस दिन से स्कूल की छुट्टियां देते हैं। उससे सभी बच्चे खुशी से घर जाने लगे। तब चांदनी घर जाते समय पीछे से नंदनी चांदनी के पास आती है। चांदनी, 10 दिन दशहरे हॉलीडेज है ना, तेरे प्लान्स क्या है? मुझे ये दशहरा त्योहार बहुत पसंद है। मैं दुर्गा माता की भक्त हूँ। इस नवरात्रि के दिन उस दुर्गा माता का पूजा करना ही मेरा प्लान है। ऐसे कहती है। उसकी बातें सुनकर नंदनी ने, तो पागल है क्या? हॉलीडेज में अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। ऐसे भक्ति मुक्ति कहकर दुर्गा माता के पास टाइम वेस्ट करती हो? तू किस जमाने में है चांदनी? पता नहीं, मुझे ऐसे भक्ति से रहना ही बहुत पसंद है। चाहिए तो तू भी भक्ति से पूजा करना नंदनी। तेरे जैसे विचार मुझे नहीं है। हम सब अच्छे से रेडी होकर मंदिर जाकर अच्छे से डांस करके हम सब एंजॉय करते हैं। तेरे जैसे भक्ति के नाम पर टाइम वेस्ट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी बात मानो, वो सब छोड़ दे। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती। मेरी जिम्मेदारी मुझे पूरा करना है। ऐसे कहकर आगे जाने लगी चांदनी। तब नंदनी ने, लगता है जिसकी पागलपन उसकी खुशी है। छोड़ दे, ये सब मुझे क्यों? ऐसे सोचकर घर चली जाती है। उस गांव में नवरात्रि शुरू होने पर माता की मूर्ति लगाई जाती है। वो पता चलकर चांदनी सुबह सुबह उठकर अपने कार्यक्रमों को पूरा करके भक्ति और श्रद्धा से माता के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। इतने में नंदनी उसके स्मार्टफोन को लेकर माता के पास खड़े होकर एक सेल्फी लेकर चली जाती है। इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन चांदनी जाते समय नंदनी रास्ते में दिखाई देती है। क्यों नंदनी, माता के पास पहले दिन दिखाई दी, दूसरे दिन से दिखाई नहीं दी? पहले दिन आकर सेल्फी लेकर गई ना, उसके बाद देखने को वहाँ क्या है? अगर देखना चाहते हो तो सब मोबाइल फोन पर है ना। लगता है तुझे कुछ काम नहीं है, इसीलिए भक्ति कहकर घूम रही हो। ऐसे मजाक उड़ाकर चली जाती है। पर चांदनी उसकी बातें नहीं मानती और माता के पास हर रोज जाकर पूजा करने लगी। इस तरह नवरात्रि बीत जाते हैं। चांदनी माता के पास रहे कुमकुम को लेकर छुपाती है। 2 दिन बीत जाते हैं पर नंदनी स्कूल को नहीं आती। स्कूल खोल के 2 दिन हो गए हैं पर अभी तक नंदनी नहीं आई। क्या हुआ होगा? एक बार जाती हूँ। ऐसे सोचकर नंदनी के घर जाती है। घर में नंदनी की माँ की तबीयत बिगड़ने पर बिस्तर पर पड़ जाती है। नंदनी पास बैठकर सेवा करने लगी। अरे नंदनी, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? नवरात्रि से माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। हर रोज मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। दवाइयाँ खाने पर भी कम नहीं हो रहा। मुझे तो डर लग रहा है चांदनी। नंदनी की बातें सुनके चांदनी दुख होकर, तेरी माँ को कुछ नहीं होगा, तू घबरा मत। ऐसे कहकर भागती हुई घर जाती है। वो छुपा कर रखी माता के कुमकुम को नंदनी के घर ले जाकर नंदनी की माँ को रखती है। आंटी, आपको माता का कुमकुम लगाई, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ऐसे कहती है। उसकी बातें सुनकर नंदनी की माँ को हिम्मत बढ़ता है। चांदनी, वो कुमकुम लगाने से तबीयत ठीक होगी? क्या सच में माँ उठेगी? ऐसे कहते समय नंदनी की माँ ऊपर उठकर बैठती है। उसे देखकर नंदनी शॉक हो जाती है। अरे ये क्या, मेरी दवाई काम की या तेरे कुमकुम काम की? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे कुमकुम के वजह से या तेरी दवाइयों के वजह से नहीं, मैं माता का कुमकुम कहकर हिम्मत दिलाई। मानव को भरोसा होने से हिम्मत आता है। उस भरोसे से ही तेरी माँ को ऊपर उठने का हिम्मत दिलाई। तुझे और एक बात बोलना है, तू मुझे भक्ति ज्यादा है कहके मजाक करती रहती है ना? भक्ति नहीं, भक्ति के नाम पर अनुशासन, डर और जिम्मेदारी है। मैं पूजा करते समय बहुत परेशान रहती हूँ, उसके वजह से सुबह सुबह उठकर मेरा काम पूरा खत्म करती हूँ। ऐसे कहती है। चांदनी की बातें सुनने के बाद नंदनी को भक्ति का अर्थ क्या है समझ में आता है। भक्ति मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी है।
तेरी मजाक करने के लिए मुझे माफ करो चांदनी। इतने दिनों से भक्ति को डांस के सेलिब्रेशन सोची, पर एक भरोसा है करके मुझे अभी समझ में आया। आज से मैं भी भरोसे से रहूंगी, ऐसे नंदनी कहती है। उसकी बातें सुनकर चांदनी बहुत खुश होती है। नंदनी की माँ चुरा कर ले गई रिमोट कार, कलर पेन सभी वापस देकर चली जाती है। तब नंदनी जो हुआ उसके लिए बहुत दुखी होकर, चांदनी मेरी माँ की तरफ से मैं सॉरी बोल रही हूँ, ऐसा होगा करके मैंने कभी नहीं सोचा। सच में मेरी माँ चोर नहीं है चांदनी, शायद मेरे ऊपर प्यार से ऐसे की होगी। नंदनी की बातें सुनते ही चांदनी भी बहुत दुखी होती है। अरे रे नंदनी, जो हुआ मुझे सब पता है ना, तो मुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में तुम ही मेरी अच्छी दोस्त हो, मेरे सब तुम्हारे हैं। ऐसे चांदनी कहकर उसे पास लेकर गले लगाती है। तब नंदनी बहुत खुश होकर, तेरे जैसे दोस्त मिलना सच में मेरा भाग्य है। ठीक है वो सब छोड़ दे, तुझे मेरी माया लहंगा बहुत पसंद आई ना, तू पहनने से कैसे रहेगा देखते हैं। ऐसे कहकर नंदनी को ड्रेसिंग टेबल के पास ले जाकर वो माया लहंगा नंदनी को लगाकर सूट हो रहा है कि नहीं करके देखते समय नंदनी का पुराना ड्रेस अचानक से नए ड्रेस में बदल जाती है। ये सब देखकर दोनों आश्चर्य हो जाते हैं। अरे कोई जादू लग रहा है, अचानक से मेरा ड्रेस नए ड्रेस में कैसे बदल गया। देखने से लगता है ये सब माया ड्रेस की महिमा है, इसे हम और एक बार परीक्षा करेंगे। ऐसे सोच के वो माया लहंगे को ले जाकर चांदनी के पुराने कपड़ों पर रखती है। बस चांदनी के पुराने कपड़े भी नए कपड़े बनके चमकने लगते हैं। ये सब देखकर दोनों और ज्यादा शौक हो जाते हैं। चांदनी ये सच में जादू है, तेरे पास रही लहंगा माया लहंगा है, इसे नए कपड़ों में बदल सकते हैं। हाँ इससे हम अपने कपड़ों को नए कपड़ों में बदल सकते हैं। याहू! ऐसे कह के दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद नंदनी वहाँ से अपने घर चली जाती है। नंदनी नया ड्रेस पहनकर आते देखकर उसकी माँ ने, ये नया ड्रेस कहाँ से लाई बेटी, क्या चांदनी ने दिया है। तब नंदनी जो हुआ पूरा माँ को बताती है। उसकी बातें सुनकर माँ भी आश्चर्य हो जाती है। बेटी सच में चांदनी जैसे अच्छी दोस्त मिलना तेरा भाग्य है, पर मैं गलत कर बैठी। छोड़ दे माँ, वो गलत नहीं सोचेगी, फिर कभी तो ऐसे मत करना, सब मिलकर खुशी से रहेंगे। ऐसे कहकर चली जाती है। अगले दिन नंदनी और चांदनी स्कूल से घर आते समय, चांदनी कल मेरी माँ माया लहंगे के बारे में सुनकर बहुत शौक हो गई, पता है, पर इसके बारे में किसी और को मत बोलना चांदनी, क्योंकि इसके वजह से शायद हम मुसीबत में बढ़ जाएंगे। ठीक है मैं किसी को भी नहीं बोलूंगी। इस तरह दोनों आगे जाते समय एक भिखारी फटे हुए कपड़े पहन के रोड पर भीख मांगते हुए दिखाई देता है। उसे देखकर दोनों को बहुत दया आती है। अरे बेचारा, फटे हुए कपड़ों से कैसे रह पाएगा वो भिखारी। तुम चाहती हो तो उसकी मदद कर सकती हो। हाँ सच में, ऐसे अच्छे काम के लिए उपयोग करने से बहुत अच्छा रहेगा। तो यही रहना, मैं जल्दी से भागकर घर जाकर मैजिकल लहंगा को लाऊंगी। ऐसे कह के चांदनी भागती हुई घर जाकर मैजिकल लहंगा पहन के वापस आती है। दोनों उस भिखारी के पास जाकर, दादाजी आपके फटे हुए कपड़े देखने से बहुत दुख लग रहा है, आप कैसे रह पाओगे। क्या करूं बच्चे, मुझे और कोई रास्ता नहीं है। कोई बात नहीं दादाजी, आपके कपड़ों को मैं बदलूंगी। ऐसे कहकर उसके मैजिकल लहंगा को उस व्यक्ति के पास ले जाती है। उसके फटे हुए कपड़े नए कपड़ों में बदल जाते हैं। ये सब देखकर दादाजी आश्चर्य हो जाते हैं। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, तुम्हारी दया को मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे कहता है। उसके बाद वहाँ से चांदनी और नंदनी दोनों घर निकलते हैं। दूर से ये सब देख रहे एक चोर ने, लगता है इनके पास कोई शक्तियाँ हैं, इनको पकड़ने से अच्छा रहेगा।
ऐसे सोचकर उन दोनों के पीछे चोर भागने लगा। हे बच्चियाँ, एक बार ठहरो, तुमसे कुछ काम है, ऐसे बुलाकर भागता हुआ आने लगा। उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। लगता है उसने हमें वहाँ देखकर हमारा पीछा कर रहा है, चलो जल्दी से भागकर चले जाएंगे। ऐसे कहकर दोनों भागकर जाने लगे। वो चोर उनका पीछा करने लगा, उनको पकड़कर ले जाके एक कमरे में बंद कर देता है। उसके बाद कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर आकर उसके दोस्त को फोन करके ऐसे कहने लगा, अरे हो रंगा, तुम जहाँ भी हो जल्दी से हमारे अड्डे को आ जाओ, यहाँ एक अमूल्य चीज है। इस तरह बात करके फोन कट करके उसके दोस्त की राह देखने लगा। अंदर रहे चांदनी और नंदनी डर कर, वो हमें क्या करेगा करके डर लग रहा है चांदनी, मुझे भी क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं हम कैसे बच निकले। इस तरह दोनों घबराते हैं। तब चांदनी उसकी मैजिकल लहंगा को देखकर, ओ माया लहंगा, तुम्हें ही हमें इस अंधेरे कमरे से बचाना है, इस तरह प्रार्थना करती है चांदनी। तब तुरंत वे दोनों वहाँ से गायब होकर उनके घर के बाहर आते हैं। नंदनी जल्दी से भागो, अगर उसे मिल गए तो बस। तब दोनों जल्दी से भागने लगते हैं। बाहर रहे चोर उनको देखकर, हे रुक जाओ, चा, ये कैसे बाहर आ गए, ऐसे कहकर फिर से उनके पीछे भागने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों बच्चे दिखाई नहीं देते। चारों ओर देखता है पर कहीं नहीं रहते। वो चोर उनको ढूंढते ढूंढते आगे जाने लगता है।